सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस द पीके टेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एक फेसबुक पर किसी अन्य फेसबुक अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले फेसबुक ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद आपको जाना है इस थ्री लाइन पर आ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना, यहाँ पर दिखाई देगा लोगो। यहाँ जाने के बाद आपके सामने दिखाई देगा एड अनदर अकाउंट, या फिर अगर आपका फेसबुक अपडेट है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोर ऑप्शन। इस मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या आपके में दिखाई देगा एड अनदर अकाउंट, उस पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ आपको लिखना है फ़ोन या ईमेल, तो यहाँ आपको फ़ोन नंबर लिख देना है। अब जिस भी अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं उस फ़ोन नंबर यहाँ लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ दूसरे अकाउंट का। फ़ोन नंबर लिख लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पासवर्ड लिख देना है। मैंने अब फ़ोन नंबर और अपना पासवर्ड लिख दिया है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, यहाँ लॉगिन हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक नया अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, तो अभी हमारा दूसरे अकाउंट ओपन हो गया। इस प्रकार हमारे एक फेसबुक में दो अकाउंट चला सकते हैं। देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरा दो अकाउंट ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दो अकाउंट ऐड हो गया है। आप यहाँ से जिस भी अकाउंट को चलाना चाहते हैं यहाँ से उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं ऊपर को ओपन करता हूँ। इस प्रकार आप भी एक फेसबुक में दो अकाउंट ऐड कर सकते हैं और दोनों चला सकते हैं। तो चलिए मैं उस वाले अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। तो फिर से इस रीलाइन पर जाते हैं, फिर लॉग आउट पर जाते हैं, फिर यहाँ से नीचे वाले को क्लिक कर देते हैं, तो यह अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार स्विच करके दूसरे अकाउंट को भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई या अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।